स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर BHU के स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो क्लास फर्स्ट हो, सिक्स हो, नाइन्थ हो या एलेवेंथ हो, इसके एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आपको एज ऑलवेज पता ही है कि फाइनली BHU ने अपना एडमिशन जो CHS में एडमिशन लेते हैं, यानी स्कूल में जो एडमिशन लेते हैं, उसका सीन बदल दिया है। आप गूगल पर जाकर सर्च कर लेंगे, सिंपली BHU सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा। इनका दो वेबसाइट है, एक BHU.ac.in है और दूसरा जो वेबसाइट है, अगेन आप हल्का से यहाँ पर आकर देखेंगे तो, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये रहा आपका BHU ऑनलाइन। तो आपको इस वाले वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे ही जब इस पर जाएंगे तो इस तरीके का आइकन ओपन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। अभी आप ऑब्वियसली जैसे कोई स्टूडेंट्स लाइक 8th में होंगे, कोई स्टूडेंट्स 10th में होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अब वहाँ पे जो एडमिशन हो गया वो मेरिट बेस हो गया। इसका मतलब आप अगर 11th एडमिशन लेना चाहते हो तो 10th की मार्क्स अच्छा होना चाहिए, 10th में अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम अब नहीं होने वाला। जैसे हर साल लाइक ऑलमोस्ट जब से लॉकडाउन का सीन हुआ है तब से इन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस स्कूल में बदल दिया है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है, आपको पता होना ज़रूरी है कि जो अभी आप एडमिशन लेना चाहते हैं किस तरीके से होने वाला होगा। अब देखिए, इन्होंने वेबसाइट से स्कूल का बुलेटिन इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से साइड कर दिए हैं, यहाँ तो मुझे यही दिख रहा है, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूँ, अगर आपके इन्फॉर्म जो भी आएंगे फॉर्म के लेकर आएंगे, सारी चीज़ आपको यहीं आएंगे और जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म को लेकर कब तक आएंगे। आपको पता ही है कि जब CBSE का बोर्ड का एग्ज़ाम्स हो जाएगा, यानी कि 10th का बोर्ड का जो एग्ज़ाम है हो जाएगा, उसके बाद ही आएगा ये आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये तो फॉर्म को लेकर बता देना चाहें, जैसे एग्ज़ाम CBSE का जब एग्ज़ाम हो रहा होगा उसी टाइम इनके फॉर्म आएंगे और उसके बाद फॉर्म पहले फिल करा लिया जाता है, उसके बाद फिर दोबारा फिर से स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है। किस बात का, कि जो CBSE का जो मार्क्स था, यानी जो 10th में जो, क्योंकि ये सभी के लिए अप्लीकेबल हो जाता है, जो स्टूडेंट 6 के लिए दे रहे हो, 9 के लिए दे रहे हो या 11 के लिए दे रहे हो, इन सभी के लिए जो जो मार्कशीट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ता है दोबारा में, तो उसको लेकर एक टाइम मिलता है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्म की अगर हम बात करें तो होप मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि मार्च से अप्रैल के बीच में फॉर्म आएंगे और उसके बाद फिर मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होगा और उसके बाद आगे का सीन जो भी होगा क्लियर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जहाँ लास्ट 2 से 3 ईयर से यही हो रहा है कि कोई मतलब मेरिट बेस पर एडमिशन हो रहा है, कोई आपके वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। बाकी इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।